किड्स, वेलकम बैक। आई एम वंदना एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर बाय ब्रेन रूट सीरीज। एंड हियर दिस इज अ बुक, द नेम ऑफ अ बुक इज ग्रामर ग्लिटर ओडिसी एंड दिस इज बुक वन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 12 एंड द नेम इज एम इज आर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी यूज एम विद आई। आपको पता होगा हम आई के साथ हमेशा एम को यूज करते हैं। वी यूज इज विथ वन पर्सन एनिमल और थिंग। इज को हमेशा हम सिंगल नाउंस के साथ यूज करते हैं। आर इज यूज विथ मोर पर्सन एनिमल और थिंग्स। प्लूरल्स के साथ हम आर यूज करते हैं। वी ऑल्सो यूज इज विथ ही शी इट एंड वी यूज आर विथ यू वी दे। तो जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ हम यूज करेंगे आर, और जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ यूज करेंगे इज। इस बात का ध्यान रखना है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। आई एम अ डॉक्टर। आई के साथ क्या यूज किया हमने? एम। वी आर प्लेयर्स। वी मीन्स बहुत ज्यादा प्लूरल, तो हमने आर यूज किया है। शी इज अ डांसर। शी एक है बच्चा, इसलिए उसके साथ इज लगाया है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू, यू के साथ हम आर लगाते हैं। यू मीन्स बहुत सारे लोग भी होते हैं। इट इज अ कोल्ड डे। इट मीन्स वन, तो उसके साथ हमने लगाया इज। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही मीन्स वन, उसके साथ लगाया इज। दे आर प्लेइंग चेस। दे मीन्स बहुत सारे, उनके साथ लगाया आर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एम इज आर। सो लैम्प मीन्स वन, सो लैम्प के साथ हम लगाएंगे इज। लैम्प इज अ बेबी ऑफ शीप। अब नेक्स्ट है कैमल्स, बहुत सारे, तो हम लिखेंगे आर। कैमल्स आर डेजर्ट एनिमल्स। ही मीन्स वन, तो हम लगाएंगे इज। ही इज अ टीचर। दे मीन्स बहुत सारे, तो दे आर माय कजिन्स। रमन मीन्स वन, तो रमन के साथ लगाएंगे इज। शी इज इल। शी मीन्स वन, तो उसके साथ लगाएंगे इज। नाउ इन द बी एक्सरसाइज वी हैव टू मेक सेंटेंसेस विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ हमें सेंटेंस बनाना है। तो हम लिख देते हैं, चलो ही इज अ बॉय, आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, एंड दे आर माय फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। क्लियर? सो लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंसेस। द वर्ड्स इज एम आर वर्ब्स बट दे आर नॉट एक्शन वर्ड्स। ये एक्शन वर्ड्स नहीं होते हैं। एम इज यूज विद द प्रोनाउन आई। एम को हम आई के साथ यूज करते हैं। इज इज यूज विद सिंगुलर नाउंस एंड आर इज यूज विद प्लूरल नाउंस। नाउ लेट्स डू डीएक्ससी एक्सरसाइज। हियर द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में से चूज करना है आई। ओ, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, आई के साथ एम लगाना है। आई एम ब्राइट। आई ट्विंकल इन द स्काई। देयर आर, देयर मीन्स बहुत सारे, सो देयर आर मिलियंस ऑफ मी। आई एम अ स्टार। आई के साथ अगेन हम एम लगाएंगे। सो कौन है ये? स्टार है। देयर आर 50 गर्ल्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में 50 गर्ल्स हैं। हर्षी इज आर क्लास मॉनिटर, तो इज लगाएंगे क्योंकि हर्षी एक गर्ल है। शी इज अ फ्रेंडली गर्ल। अब शी क्योंकि एक है तो यहाँ पर भी इज लगाएंगे। एंड वी डैश वेरी फॉन्ड ऑफ हर। वी मीन्स बहुत सारे लोग आएंगे तो आर लिखेंगे। सो वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ हर। सो दीज वर द आंसर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट इज डी एक्सरसाइज। लुक एट द पिक्चर एंड देन कंप्लीट द पैसेज यूजिंग इज एम आर। द डैश दिस डैश
स्नो वाइट. सो दिस इज स्नो वाइट. यहाँ पे आप देख सकते हो शी डैश आ प्रिटी गर्ल, तो शी के साथ लगाते हैं इज. सो शी इज अ प्रिटी गर्ल, हर हेयर इज ब्लैक, तो हेयर के लिए हम यूज करते हैं इज. हर हेयर इज ब्लैक. हर शूज आर येलो, शूज ज्यादा है, प्लूरल है तो आर लगाएंगे. हर शूज आर येलो. हर ड्रेस इज येलो एंड ब्लू, तो एक ड्रेस है तो इसे हम यहाँ पर लगाएंगे इज. तो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम. नाउ लेट्स लर्न पीपल हु हेल्प अस. सो डू यू नो हु ऑल हेल्प अस, कौन कौन लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एनसर्कल द पर्सन हु हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं. फाइट्स फायर, फायर से लड़ता है कौन? लड़ता है जब आग लग जाती है तो किसे बुलाते हैं हम? आर्टिस्ट को बुलाते हैं जो पेंटिंग करता है, कारपेंटर को जो लकड़ी का सामान बनाता है, या फायरमैन को जो आग को बुझाता है. तो किसे बुलाते हैं आग बुझाने के लिए? यस वी कॉल अ फायरमैन. मेंस शूज, शूज को ठीक करता है, शूज जो अगर फट जाए तो खराब हो जाए तो उसे ठीक करता है, कौन करता है? टीचर या फिर टेलर या फिर कॉबलर. सो कॉबलर हमारे जूतों को ठीक करता है. ब्रिंग्स मिल्क, मिल्क कौन लाता है आपके घर? टेलर लाता है क्या? डॉक्टर या फिर मिल्कमैन? सो यस मिल्कमैन इज द करेक्ट आंसर. कैचेस थीव, चोर को जो है पकड़ता है, कौन पकड़ता है? पुलिसमैन, पोस्टमैन या फायरमैन? यस पुलिसमैन करता है ये सारे काम. डिलीवर्स पोस्ट, चिट्ठियों को पहुंचाता है. आपके घर आता है कोई चिट्ठी पहुंचाने? कौन आता है? क्या वो पोस्टमैन आता है, कोई गार्डनर आता है, या मैसन जो घर बनाता है? कौन आता है आपके घर? पोस्टमैन. ट्रीट्स द सिक, बीमार लोगों को ठीक करता है, कौन? डॉक्टर, टीचर या फिर टेलर? इट इज डॉक्टर. डॉक्टर जो है बीमार लोगों को ठीक करता है. स्टिचेस द क्लोथ्स, कपड़ों को सिलता है, कौन सिलता है? नर्स सिलती है क्या, या मैसन जो घर बनाता है वो सिलता है, या टेलर? यस टेलर करता है. टीचेस अस, हमें कौन पढ़ाता है? टीचर, गार्ड या फिर शेफ? टीचर पढ़ाती है. ड्राइव्स बस, बस को चलाता है कौन? ग्रोसर जो सब्जी बेचता है वो, या फिर ड्राइवर चलाता है बस, या फिर प्लम्बर जो नलों को ठीक करता है, कौन करता है ये काम? ड्राइवर. ग्रोस क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करता है, हम जो गेहूं खाते हैं, जो आटा खाते हैं, जो राइस खाते हैं, उन्हें कौन ग्रो करता है? क्या वो पोस्टमैन है जो ग्रो करता है, फार्मर है, या फिर गार्डनर है जो हमारे गार्डन का ध्यान रखता है, कौन है वो? ही इज अ फार्मर. लुक्स आफ्टर आवर गार्डन, हमारे गार्डन का ध्यान रखता है, गार्डनर. शेफ या फिर आर्टिस्ट. मेक्स फर्नीचर फॉर अस, हमारे लिए क्या करता है? फर्नीचर बनाता है, टेबल चेयर ये सारी चीजों को बनाता है, कौन बनाता है? कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर. तो करेक्ट आंसर इज कारपेंटर. सो विद दिस वी हैव लर्न अबाउट द पीपल हु हेल्प अस. So children, I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and take care.